छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती देश भर में महाराष्ट्रीय समाज द्वारा धूमधाम से मनाई गई। वहीं शिवाजी महाराज की जयंती पर बड़वानी में सर्व महाराष्ट्रीय समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भी शामिल हुए। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने भजनों की धुन पर थिरकते नजर आए। कोरोना महामारी के बाद शहर में पहली बार भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। छत्रपति शिवाजी की 391वीं जयंती पर शहर के प्रमुख मार्गों से सर्व महाराष्ट्रीय समाज ने हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली। कालिका माता मंदिर परिसर से शुरू हुई शोभा यात्रा बाबा रामदेव मंदिर, मोटी माता, एमजी रोड से झंडा चौक होते हुए पुनः कालिका माता मंदिर पहुंची, जहां शिवाजी की महाआरती कर यात्रा का समापन हुआ। महाराष्ट्र के ढोल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। विशेष महाराष्ट्रीय परिधान से सजी महिलाओं की टोली भी जमकर थरकती नजर आई। पीयूष सूर्यवंशी, आज श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जन्मोत्सव समारोह मनाया गया है, जिसमें सभी समाजजन, महिलाएं, बच्चे तथा पुरुष अपने पारंपरिक वेशभूषा में सम्मिलित हुए, पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में हमारे कैबिनेट मंत्री जी प्रेम सिंह पटेल तथा राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह जी सोलंकी, उन्होंने भी आकर हमें शुभ आशीर्वाद दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। भव्य शोभा यात्रा का शहर से कई मंचों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, तो वहीं हर तरफ जय भवानी जय शिवाजी का जय घोष सुनाई दिया। बड़वानी से रजनीश हिनेचा की रिपोर्ट।